गज़वा बदर मुसलमानों और कुफार के दरमियान लड़ी जाने वाली तारीख की पहली अजीम जंग है। हक व बातिल का ये मुआरका 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी को मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़े बदर नामी मकाम पर लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद कुफार के मुकाबले में काफ़ी कम थी, इसके बावजूद मुसलमानों को मुशरिकीन पर फतह हासिल हुई। इस फतह की एक बड़ी वजह हज़रत अली और हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़ास जाँफिशानी थी। दरअसल मक्का में 13 साल कुफार ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और हिजरत के लिए मजबूर कर दिया। जब मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कामयाब होने लगी तो कुरैश को ये खदशा हुआ कि कहीं इनकी हाकमियत अरब से ख़त्म न हो जाए, लिहाजा कुरैश मक्का ने मुसलमानों का ताकुब न छोड़ा और इस बरहक जमात की जड़ से खात्मे के लिए अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ मैदान में उतर पड़े। इस जंग में मुसलमान मुजाहिदों की तादाद सिर्फ 313 जबकि कुफार मक्का की फ़ौज 1000 के करीब थी। मुसलमानों के सामान सवारियों की किल्लत की वजह से दो दो तीन तीन आदमियों को एक एक ऊंट पर सवार करके ले जाया गया था, जिस पर वो बारी बारी सवारी करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। बदर का मैदान था और दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। मुशरिकीन के सफ़ों से तीन शख्स अपनी तलवारें लहराते हुए ललकारते हुए मैदान में निकले और मुसलमानों को दावत मुबारकत दी। ये अरबों के जंग का दस्तूर था कि जंग के आगाज में वो जोर आजमाई किया करते थे, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीन हरीफ यानी उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा के खिलाफ हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली अलैहिस्सलाम और उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान में उतरने का हुक्म दिया। हजरत हमजा ने चंद लम्हों में ही उतबा को हलाक कर दिया। वलीद इमाम अली अलैहिस्सलाम के मद्द मुकाबिल आया। जुल्फकार के थार और कुव्वत ईमानी से भरा हैदरी बाजू के आगे वलीद ज़्यादा देर न टिक पाया और उसका काम भी तमाम हो गया। फिर हज़रत उबैदा ने अमीर हमजा और हज़रत अली की मदद से शेबा को मौत के घाट उतारा। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम तीनों अफराद के कत्ल में शरीक थे। इस्लामी लश्कर नारों से गूंज उठा और कुफार के खेमे में हलचल मच गई। कमसान की लड़ाई शुरू हुई और देखते ही देखते मुसलमान कुफार पर गालिब आने लगे। कुफार मक्का के पांव उखड़ने लगे। हैदर कर्रार अली अलैहिस्सलाम की तलवार दुश्मनों पर बर्क बनकर टूटी। वो फौज जो तमाम जंगी साजो सामान के साथ मुसलमानों के मुकाबले में तीन गुना ज्यादा थे, उनका तमाम गुरूर और तकब्बुर मैदान में बिखर कर रह गया। ये एक फैसला कुन लड़ाई थी जिसमें अल्लाह के वादे की सच्चाई से मुसलमानों को गैबी मदद के जरिया फतह नसीब हुई।